हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक्स। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं EBNL यानी कि MSR बायोटेक कंपनी के बारे में बात करेंगे। कंपनी काम क्या करती है, बिजनेस मॉडल क्या है और लॉन्ग टर्म प्रेडिक्टिबिलिटी के हिसाब से आपको इस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एज वेल एज टेक्निकल ओवरव्यू एनालिसिस यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है इस कंपनी के लिए, तो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंपनी के बारे में बात करें तो डेट इस MSR बायोटेक यहाँ पर जो कंपनी है वो कंपनी काम क्या करती है। ये कंपनी जो मेन जो कारोबार है वो बायोटेक्नोलॉजी की कंपनी, बायोटेक्नोलॉजी का जो सेक्टर होता है उसके अंदर इस कंपनी का मेन जो है कारोबार है। और उसके साथ साथ में जैसे कि हेल्थ रिलेटेड कोई भी एडवाइस होगी, कंसल्टेंसी टाइप का हो गया बिजनेस वो, एज वेल एज पेन रिलीफ रिलेटेड, या फिर अगर मैं बात करूँ स्किन की स्किन रिलेटेड कोई भी, या फिर स्किन रिलेटेड कोई भी क्योर हो गया, या फिर बोन्स या फिर मसल उसके रिलेटेड जो भी अगर कोई इफेक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है तो उसके थ्रू, उसके कारण जो है कंपनी जो है अच्छी ऐसी मेडिसिन बनाती है मार्केट के अंदर। और एक अच्छा सा यहाँ पर बिजनेस सेगमेंटेशन जो है वो इस कंपनी का हमें देखने को मिला है। सो अगर हमें इस कंपनी के रेडिस कंपनी के मार्केट कैप की अगर मैं पर बात करूँ तो 16.46 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पर जरूर बना देता है। रेडिस सिर्फ 16.46 करोड़ का ही इस कंपनी का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपीज़ और बीटा है इसका 0.17, जो कि आपको बताता है कि अगर इंडेक्सेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको ऑन एन एवरेज बेसिस पर 0.17% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 74.55। अगर उसके मुकाबले अगर हम इस शेयर का प्राइस टू अर्निंग देखते हैं यहाँ पर तो 10.91 के एक अच्छे ऐसे प्राइस टू अर्निंग पे शेयर है डेट इज MSR बायोटेक का, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो 2.89 और बुक वैल्यू शेयर की 11.41 रुपीज़। अगर मैं इस कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के ऊपर नजर डालूं तो कंपनी का यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुधरता हुआ यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। डेट इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 16 करोड़ रुपीज़ का, और उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है डेट इज 2021 को अगर हम 2021 से भी कंपेयर करें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ऑलमोस्ट डबल होकर यहाँ पर हो चुका है डेट इज 8.46 करोड़ रुपीज़, एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पर डबल होकर हो चुकी है डेट इज एज ऑफ द 2020 ईयर डेट इज 1.45 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट किया है। ऑल दो पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का प्रॉफिट एज वेल एज रेवेन्यू जनरेट किया है उसके बारे में हम जरूर दिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर सबसे जो अच्छी और पॉजिटिव बात है डेट इज मोर देन 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज बीन डन बाय द प्रमोटर, जो कि मेरे आपसे काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव बात है। 58.5% का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कंपनी के प्रमोटर द्वारा किया गया हुआ है। DII का इन्वेस्टमेंट है सिर्फ 0.19% और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर, जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स होते हैं या फिर थोड़े बहुत कॉर्पोरेट्स हो गए उन लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 41.3%। और जो बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर अदर कैटेगरी के द्वारा किया गया है। ऑल दो शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, पॉजिटिव है, बट फिर भी अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर 5 या 10% का एक अच्छा सा FII या फिर DII का इन्वेस्टमेंट और सफल देखने को मिलता तो और पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर हमें बनते हुए देखने को मिल सकता था। रेवेन्यू स्टेटमेंट यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं कि पिछले 3 क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी ने किस तरह का बिजनेस किया हुआ है। तो यहाँ पर अब सबसे खराब बात जो यहाँ पर हमें देखने को मिली दिसंबर 2020 से हम यहाँ पर कंपेयर करते हैं कंपनी का यहाँ पर जो टोटल इनकम था वो था 1 करोड़ रुपीस और उसके ऊपर कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमें 0 दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस का स्टेज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। मार्च 2021 के अंदर भी यहाँ पर कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 4 करोड़ रुपीस और नेट प्रॉफिट था 0 करोड़ के नियर बाय। और जून 2021 के अंदर यहाँ पर कंपनी ने कोई भी रेवेन्यू नहीं किया है, कोई भी प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी ने कमाया नहीं है। तो ये जो डिफिकल्टी या फिर जो सेगमेंटेशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, इस तरह का स्टेज जो देखने को मिल रहा है वो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत क्वेश्चनेबल स्टेज जरूर रहेगा, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि नेक्स्ट क्वार्टर में यहाँ पर कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करती है, जस्ट एज ऑफ द फैक्ट कि कंपनियाँ जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम है तो पॉसिबिलिटी है कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट जो यहाँ पर आपको 0 देखने को मिल रहा है वो इन टर्म्स ऑफ करोड़ में ही यहाँ पर मार्क होता अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल डेटा। सो नेक्स्ट में कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट हो सकता है, बट फिर भी हमारी जो यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा वो कंपनी के क्वार्टरली 2 रिजल्ट्स जो आएंगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस यहाँ पर हमें रखना चाहिए। रिटर्न रेशियोज भी अगर हम यहाँ पर कंपनी का कंपेयर करते हैं तो 2020 सबसे पहले जो रेशियो यहाँ पर है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, तो वो आपको जरा कि कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है डेट इस कंपनी के मार्केट में जितना भी इक्विटी है उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ रिटर्न्स कंपनी कमा पा रही है ऑन एन ईयरली बेसिस, तो वो था इस कंपनी 2019 मार्च के अंदर 15.19%, मार्च 2020 के अंदर 17.68%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर
25.42% का रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ROC परसेंटेज की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो वो आपको बता रहा है कि कंपनी के अंदर मार्केट में जितना भी कैपिटल है, दैट इज मिक्सचर हो गया कंपनी का डेट एज वेल एज इक्विटी, उसके ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहा है। तो वो था इस कंपनी का 2019 मार्च के अंदर 13.61%, मार्च 2020 के अंदर 19.89% एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 36.17% का यहाँ पर हमें कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखने को मिला है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज अगर हम यहाँ पर देखें, तो कंपनी के यहाँ पर मार्केट में जितने भी एसेट्स है उन एसेट के ऊपर यहाँ पर कंपनी कितना परसेंटेज प्रॉफिट जनरेट कमाती है। तो वो था इस कंपनी का 2019 के अंदर 10.31%, मार्च 2020 के अंदर 12.29%, एज वेल एज मार्च 2021 के अंदर 18.57% का यहाँ पर हमें कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज देखने को मिला है। अब हम देखते हैं कंपनी के लेवरेज रेशियोज, तो लेवरेज रेशियोज में भी डेट टू इक्विटी, यहाँ पर कंपनी डेट फ्री कंपनी है, जो कि पिछले 3 साल से कंपनी ने हालांकि मार्केट से कोई लोन नहीं उठाया, तो ये मेरे से काफ़ी अच्छी और काफ़ी पॉजिटिव बात यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। मार्केट प्राइस की सबसे बात करूँ तो 32.95 रुपीज़ पे शेयर जो है करंटली यहाँ पर मार्केट में ट्रेड हो रहा है, और 5 ईयर हाई प्राइस है शेयर का रेट 55.65 रुपीज़ के नियर बाय। सो बेस्ट बाइंग रेंज रहेगी ये 30 रुपीज़ के नियर बाय, 30 से 31 रुपीज़ की प्राइस बैंड के अंदर आप इसको बाय कर सकते हो। 29.5 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना पड़ेगा जस्ट एज ऑफ द फिट, अगर आप चाहते हो तो उसका चार्ट भी आप देख सकते हो अपने स्क्रीन के ऊपर। 29.5 का अगर यहाँ पर प्राइस लेवल तोड़ता है तो और ज़्यादा डाउन प्रेशर यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, और या फिर अगर आप समझ लो 30 से 31 के प्राइस बैंड के अंदर बाय करते हो, 35 का अगर लेवल तोड़ता है फिर से अपसाइड डायरेक्शन के अंदर, तो बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन या फिर 10% 12% तक की जो गेन है वो यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो होप करता हूँ कि आपको MSR बायोटेक एंड न्यूट्रिशन लिमिटेड कंपनी का यहाँ पर हमने जिस तरह से एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छे से पता चल गया होगा, और उसके ऊपर यहाँ पर आपको क्या डिसीजन लेना है वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको इस कंपनी रिलेटेड या फिर इस कंपनी के डेटा रिलेटेड आपको कोई डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू।